दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं रिपेयरिंग लेवल यू का एंड मेरे पास में यहाँ पे ओरिजिनल सैमसंग का लेवल यू बेसिकली आउट ऑफ वारंटी है एंड यहाँ पे जो दो प्रॉब्लम है टू प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ एक तो इसका जो सो ये राइट वाला प्ले होता है मतलब कि इसे साउंड आता है लेफ्ट वाले से साउंड नहीं आता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जब हम इसे कनेक्ट करते हैं चार्जिंग पे तभी ये ऑन होता है और उसके अलावा ये ऑफ हो जाता रहता है जैसे चार्जिंग से डिस्कनेक्ट कर दे तो। ये प्रॉब्लम हाल फिलहाल में आया बट ये प्रॉब्लम भी है ठीक है। मेनली देखो सीन क्या है कि लेवल यू का थोड़ा सा अगर आप थर्ड पार्टी या कहीं और से भी लेते हैं तो इसमें थोड़ा ओपन करने में बड़ा दिक्कत होता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं और जुगाड़ से आप ओपन कर रहे हैं तो समझ लो आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने वाला है पढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने भी बहुत मशक्कत किया है। जिस तरीके से मैंने अभी तक स्कल कैंडी एंड रियलमी के जो काफ़ी सारे एयरफोन्स को रिपेयर किए हैं तो बट इसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत लगा इसे ओपन करने में। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने इसे रिमूव कर दिया चार्जिंग से एंड मैं इसे जैसे ऑन करके देखता हूँ नो ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो इसको जैसे मैंने काफ़ी मशक्कत के बाद में इसको थोड़ा सा गैप बनाने के बाद मैंने किया है तो जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं वैसे आपका खुलेगा नहीं क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों साइड का ये हटाने के बाद मतलब कि ब्रेकडाउन के बाद में ये हुआ है, नहीं तो इसका जो आगे वाला थोड़ा सा टिप इसके अंदर गया हुआ रहता है और ये जब तक आपका नहीं हटने वाला तब तक ये खुलेगा नहीं पीछे का पोर्शन। तो चलिए ये हमारा खुल गया एंड ये हमारे पास में पीसीबी है एंड ये हमारा बैटरी है। तो बैटरी में तो ऐसा कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा हो, सो अभी हम देख लेते हैं इसको भी पीसीबी को थोड़ा सा आउट करके। या तो हमारा पीसीबी भी हो गया एंड जो वाइब्रेशन है वो भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है मतलब कि वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो हम इसको भी जो है सो देख लेते हैं एक बार कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो आखिर हमारे पास में सारा कुछ आ गया एंड ये जो वायर है ये वायर अंदर गया हुआ है इसके बटन्स के लिए यहाँ पे। तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन करना होगा ये आपके माइक वगैरह इस सभी पोर्शन को आपको यहाँ से ओपन करने के बाद में आप डिसोल्व करेंगे फिर सारा कुछ आपका निकल पाएगा यहाँ पे ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम जो देख लेते हैं कि दिक्कत क्या है। तो ये हमारे पास में तो वाइब्रेशन का वाइब्रेशन मोटर ठीक है, ये हमारा बैटरी कनेक्टेड है ओके। सो एंड ये वाला हमारा चल रहा है ये जो जैक है राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का जो जैक है वो हमारा होता है आके कनेक्ट यहाँ पे इस वाले में। तो आप देख लीजिए एक बार ढंग से यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट होता है लेफ्ट साइड में ओके। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार ये देखिए। तो हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है। बैटरी आई थॉट बैटरी में कोई कनेक्शन, मुझे लगा था कि कनेक्शन हो सकता है छूटा हुआ हो बट नहीं यहाँ पे कनेक्शन तो ठीक है। बैटरी पंचर भी नहीं है, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है बैटरी में।
पहले तो मैंने इसको जो सो चेक किया बैटरी से, फिर चार्जर से, अलग अलग कंपोनेंट से। बेसिकली अभी जो सो मल्टीमीटर लेके आना है दोस्तों, तो किसी दिन चलेंगे, फिर मल्टीमीटर लाएंगे और मल्टीमीटर को भी टेस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इसको जो सो एज जनरल टेस्ट किया, बैटरी को निकाल के शॉर्ट करके एंड अलग अलग मेथड से कि ये बैटरी जो सो पावर ले रहा है या फिर नहीं दे रहा है। बेसिकली मुझे ये लगा कि यार चार्जिंग लगाने के वक्त में इसको जो रेड जलना चाहिए वो रेड जल नहीं रहा है बेसिकली, और जब इसको हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन से तो ये जो हमें बस 100% चार्ज दिखा देता है बैटरी बैकअप एंड निकालते ही जस्ट बंद हो जा रहा है। तो बेसिकली मुझे लगा कि बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन है या फिर बैटरी पंचर भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं बैटरी ख़राब होने के, तो मेरे को पहले लगा कि कनेक्टर हो सकता है, लेकिन कनेक्टर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्डेड था। तो मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से चेकआउट किया, हो सकता है पावर आईसी वगैरह जला हो, बट काइंड ऑफ कुछ आइडिया नहीं लगा उस वक्त। तो सोच सोच के बहुत दिमाग ख़राब हुआ था कि आखिरकार हुआ क्या है मेरे को। मैं कई बार ये भी लगा कि इसके हो सकता है कि जो बटन्स है वो बटन की वजह से दिक्कत हो, तो मैंने उसे कनेक्ट करके बटन से भी देखा और बेसिकली मेरे फ़ोन में जिस इस लेवल यू वाले का बटन कोई काम ही नहीं ढंग से कर रहा था। तो ये भी मुझे लगा कि हो सकता है इसके जो सो मेन आईसी होता है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये जो सो पावर दे रहा है आउटपुट दे रहा है वही ना कहीं मेन जो ख़राब हो गया, या फिर आपको साउंड आउटपुट को बहुत सारी चीज़ें होता है। तो काइंड ऑफ मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगा, बट यहाँ पे जो सो दिक्कत था बस बैटरी एंड वायर का, जो कि हमारा एक दूसरे साइड के ईयरफोन का वायर का इशू था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका वायर जो है सो चेंज कर दिया है। बेसिकली आप देख सकते हैं हमने इसका वायर चेंज कर लिया है, जो कि एक पुराने वाले में से वायर मैंने निकाल के लगा दिया, तो ये तो ठीक हो गया। एंड रही बात बैटरी का, तो बैटरी जो है सो चार्ज नहीं ले रहा है, तो हम जो है एक लोकल हमें आप देख सकते हैं ब्लूटूथ वाला है, इसके अंदर में भी कुछ करीब करीब इसी शेप एंड साइज का बैटरी होता है। ज़्यादा तो सेम नहीं, लेकिन हाँ सिमिलर ही कह सकते हैं आप उस बैटरी को भी। इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओके
तो ये हमारा जो सो ये लोकल होता है, आई मीन 150 से 150 ऐसे में दे देता है, मिल जाता है। और बैटरी वगैरह आप इसके कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो गया एंड बैटरी हो गया हमारा। तो इस बैटरी का हम जो है यूज करने वाले हैं, ओके ये रहा बैटरी, कुछ कुछ सिमिलर सा है इसमें, ये बड़ा है थोड़ा छोटा है, देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने इसको कर लिया डन सारा कुछ, वायर वगैरह पूरा चेंज कर दिया, इसके बैटरी भी जिसको एक दूसरे वाले पुराने मतलब लोकल ईयरफोन के अंदर से निकाल के इसके अंदर में लगा दिया, एंड सारा कुछ आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी जो हमारा लोकल मिलता है उसको साइड कर दिया। एंड ये मेरे पास में एक वायर था उसको मैंने लगा दिया, और सारा कुछ हो जाने के बाद में अब इसको हमें लगाना है। एंड मोस्ट ऑफ द केस बैटरी हमारा सेम है तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला, जस्ट हमें डुअल साइडेड टेप लगानी है और उसके बाद में उसको चिपका देना है, ये सारा कुछ काम बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सो हो चुका है डन, एंड ये दोनों साइड चलने भी लग गया है और साथ ही साथ में ये ऑन भी हो रहा है। तो हमने बैटरी चेंज कर दिया है और इसका वायर भी चेंज कर दिया, सो काइंड ऑफ ये डन हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो सो कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा रिपेयर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट जी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वन डे मातरम।